कैसे हो आप लोग। देखो भाई, आज का अपना जो टॉपिक है वो है वेक्टर के बाद में 3D। ठीक है, अपन बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। आपने 10th में और 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसको 2D को पढ़ते हो आप। ठीक है, अब अपना जो टॉपिक है वो है 3D। 2D मतलब जैसे आपको पता है ही, कोऑर्डिनेट आ जाता है 10th क्लास के अंदर और 11th क्लास के अंदर आ जाता है, इलिप्स, पैराबोला, कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर था वो कैसे पूरी पूरी स्ट्रक्चर्स कैसे बनती थी 2 डायमेंशंस में। अब जो भी अपन पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, 3D में। तो देखो भैया, इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया एक तरीका है कि हर चीज़ का एक तो डायग्राम बनाओ, जो मैं यहाँ पर बताऊँ। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे उतनी आसान 3D होगी। 3D सबसे हार्डेस्ट चैप्टर है पूरी बुक का। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा इमेजिनेशन है। दूसरा कि आपको सबसे पहले जो मैंने वेक्टर पढ़ाई है वो पढ़ना बहुत जरूरी है इसमें। अगर वेक्टर नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा क्लियर। तो वेक्टर्स के आप वीडियोस देखें, बहुत आसानी से वेक्टर समझ में आएगी वीडियोस देखोगे तो। अब अपन बात करेंगे 3D की। ठीक है, ये अगर वेक्टर और आपके इमेजिनेशन है बहुत अच्छी तो ये सबसे आसान चैप्टर मान है मेरी नज़र में, सबसे आसान चैप्टर है पूरी बुक का। इसमें मैं बिल्कुल आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता, सब कुछ बहुत आसानी से होता है। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है, ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन DIRECTION डायरेक्शन कोसाइन। देखो भैया, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइन क्या है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, वो 3D में एग्जिस्ट कर रही है। जैसे 3D बनाते हैं अपन, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस। अपन बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं दिक्कोज्जा। क्या बोलते हैं भैया? दिक कोज्जा। कि मैंने ले ली कोई लाइन थी, यहां ले लो या यहां ले लो, यहां ले लेते हैं समझ लो। ये लाइन एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी, वो ही इसके डायरेक्शन को सही। बहुत सिंपल सी चीज है। ये लाइन क्या करेगी, x एक्सिस से कुछ एंगल मेजर करेगी, y एक्सिस से कुछ बनाएगी और z एक्सिस से, यही क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो, x एक्सिस से जो एंगल बना दिया, देखो इसको मैंने नाम दिया अल्फा। ठीक है, y एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसको मैंने नाम दिया बीटा, और जो z एक्सिस से जो ये लाइन कुछ बना दी थी एंगल उसको मैंने नाम दिया गामा। ठीक है, लेकिन ये एंगल किस में लेने अपने को, ये लेने कोस में, इसीलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। किसमें लेने अपने को, कोस में। तो देखो, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी कोस में, कोस अल्फा बनाएगी, नहीं बनाएगी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनाएगी कोस बीटा, और ये जेड एक्सिस से बनाएगी कोस गामा। ठीक है, ये कि इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, आपको एंगल किसमें मेजर करना है, कोस में, इसलिए नाम क्या है, कोसाइन। इस कोस अल्फा को अपन बोलेंगे एल, हमेशा कोस अल्फा को क्या बोलेंगे, एल। एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसका, एक्स एक्सिस का। एम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसका, वाई एक्सिस का। और कोस गामा को अपन बोलेंगे एन। तो हमेशा अपन डायरेक्शन कोसाइन को किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, एल, एम और एन। ठीक है, ये तीन टर्म लेंगे। एल क्या है, कोस अल्फा, एम क्या है, कोस बीटा, और एन क्या है, कोस गामा। बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बोली कि भाई ये लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो अपन उसको कोसाइन में मेजर कर रहे हैं, वही क्या है इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ दिमाग में आपका ये आ रहा होगा कि सर ये लाइन था, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये कोई आपकी लाइन थी। ठीक है, आप बोल रहे हो कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, तो एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बना दी अल्फा। तो भैया आप देखो इसको, ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ ही बना रही है ये एंगल, बना रही नहीं बना रही,
तो मतलब कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस के साथ में दो एंगल बनाएगी, एक तो आपने देख लिया और दूसरा एंगल क्या बनाएगी, ये एंगल कितना होगा बताओ मेरे को, ये लाइन कितने की होती है 180 की, तो ये लाइन ये एंगल कितना हो गया पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। तो देखो भैया कोई भी लाइन हर एक्सिस के साथ में दो तरीके का एंगल बनाएगी, एक तो अल्फा बनाएगी दूसरा पाई माइनस अल्फा। अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वो क्या करेगी, एक तरफ बीटा बनाएगी दूसरी तरफ पाई माइनस बीटा बनाएगी, बनाएगी। तो आप देखो ये एंगल भी लेंगे और ये भी लेंगे, भैया डायरेक्शन कोसाइन क्या है कि कोई भी लाइन है उसका एक्स एक्सिस से एंगल, तो ये भी बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये भी बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे भैया एल क्या हो सकता है, कोस पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है, एन क्या हो सकता है कोस पाई माइनस बीटा भी होगा, और एन क्या होगा कोस पाई माइनस। आप इसको सोल्व करो, पाई माइनस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो इसको मैं बोलूंगा माइनस कोस अल्फा, इसको बोलूंगा माइनस कोस बीटा, इसको मैं बोलूंगा माइनस कोस गामा। कोस अल्फा क्या था एल, तो मैं बोलूंगा माइनस एल, माइनस एम, कोस बीटा क्या है एम, और ये माइनस एम। तो आपने क्या देखा कि कोई भी लाइन है उसके कितने डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, इसलिए अपन डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलते हैं एलएमएन नहीं बोलकर क्या बोलते हैं प्लस माइनस एल, भाई पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एम और पॉजिटिव नेगेटिव एम, ये क्या है किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन, बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है भाई आ गया होगा आपको समझ में, इसको बहुत अच्छे से आपको बस ऐसे समझते चलना है, बहुत आसान एक्सरसाइज है 3D। इसके बाद में अपन बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोई लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो किसको बोलेंगे अपन, डायरेक्शन रेशियोज इसको अपन हिंदी में बोलते हैं दिख अनुपात, भाई डायरेक्शन को दिख दिशा मतलब जो भी है और रेशो अनुपात बहुत सिंपल, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशोज क्या है कि भाई तीन ऐसे नंबर हैं जो क्या है डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कोई भी तीन नंबर हो सकते हैं वो, तो अपन वो तीन नंबर ले लेते हैं यहां पर ए बी सी, किससे, जैसे आपने डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट से, तो डायरेक्शन रेशियोज को अपन ए बी सी ही मेजर करेंगे पूरा, मतलब ए बी सी ही मानेंगे, जैसे आप एंगल को थीटा मानते हो वैसे ही अपन इसको। तो डायरेक्शन रेशियोज तीन ऐसे नंबर है, तीन है वो क्या है डायरेक्शन कोसाइन के क्या है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन कितने थे तीन ही थे एलिमेंट, तो ए किसके प्रोपोर्शनल होगा एल के, बी किसके प्रोपोर्शनल होगा एम के, और सी किसके प्रोपोर्शनल होगा एन के। तो भैया बहुत सिंपल सी चीज है कि डायरेक्शन रेशियोज आर थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डेफिनेशन तो सुन ली होगी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज आर तीन ऐसे नंबर है जो क्या है एल एम एन के डायरेक्शन कोसाइन के क्या है समानुपाती है। तो मैं ये क्या बोल सकता हूं देखना, एल इज प्रोपोर्शनल ए इज प्रोपोर्शनल टू एन, भाई रेशियो किसके प्रोपोर्शनल हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू एम और सी इज प्रोपोर्शनल टू एन। देखो ए बी सी तीन ऐसे नंबर थे जो क्या है एल एम एन के क्या है प्रोपोर्शनल है, एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन, बस बहुत आसान से सी। देखो इसको इक्वलिटी लेते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है हमेशा, तो मैंने इक्वल टू बोल दिया के एन, बी इक्वल टू के और C इक्वल टू के, ठीक है भाई ये यहां से एक चीज है। तो देखो भैया आप इस इधर देखना इसको, तो मैं यहां से बोल सकता हूं L क्या है या A बोल दू कुछ भी बोल दू, L बोलूंगा L इक्वल टू A बाई के, M क्या हो गया मेरा B बाई के और N हो गया मेरा C बाई, ठीक है।
चलो अपन एलएमएन का रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, एलएमएन का एक दूसरे से रिलेशन निकालते हैं, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज आएगी। देखो भैया आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन, इसमें एक बार इंक डाल देता हूँ भैया, पढ़ाई करते रहना भैया नहीं तो दिक्कत हो जानी है, ट्वेल्थ वाले जो स्पेशली हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। देखो वापस देखना इस डायग्राम को क्योंकि दिखता नहीं है आपको, देखो मैंने मेजर कर रहा हूं, मैं एलएमएन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, यहां से एक चीज निकलेगी। मैंने क्या बोला, एलएमएन क्या था कि कोई भी लाइन थी तो लाइन को मैंने नाम दे दिया एक वेक्टर, भाई लाइन वेक्टर थ्रीडी में पढ़ेंगे अपन, तो ये एंगल मेरा अल्फा था, ये मेरा बीटा है और ये मेरा है गा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड। अब मुझे एक चीज बताना, देख भाई कि ये लाइन थी, इधर समझना ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये लाइन इसको ऐसे काट रही, ये एंगल मैं बोल रहा हूँ अल्फा, क्योंकि थ्रीडी में आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अभी इसको एक्स एक्सिस, या बीटा को आप इमेजिन कर सकते हो, अभी बीटा की बात करेंगे करते हैं। तो देखना ये मैं बोल रहा हूँ ये लाइन थी आपकी, इसको मैंने नाम दिया पी, ये ओरिजिन है, ये ओपी। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला था कि एल क्या है, कोस अल्फा, एल क्या है, एल इक्वल टू कोस है या नहीं। अच्छा कोस यहां से आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, देख रहा है, तो क्या कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है इसका बताओ, मैं ये बेस कितना है, ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ है x, वही x एक्सिस को काटेगा, जैसे अगर मैं बोल दूं इसके कोऑर्डिनेट है x y और z p पॉइंट के, तो आप एक चीज मुझे देखना, मैं 2D में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन थी ठीक है, ये p पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है x y, ये मेरा x है ये मेरा y ठीक है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये अल्फा ठीक है। आप मुझे बताओ ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो जहां x एक्सिस को काटेगा वही लेंथ क्या है इसकी, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी x, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितने x और y, इसको मैं कैपिटल x और कैपिटल y ले लेता हूं ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये डायग्राम देखो, cos अल्फा क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसका x, बोलो है नहीं है, बेस कितना है x और हाइपोटेनस कितना है, आप बोलोगे op, op क्या एक वेक्टर है, तो अपने को क्या चाहिए op लेंथ चाहिए, तो मैं बोलूंगा op वेक्टर अपॉन में लेंथ ठीक है, क्योंकि cos अल्फा क्या होगा आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, op वेक्टर नहीं है भैया, op वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अपने को लंबाई चाहिए सिर्फ, वेक्टर नहीं चाहिए। अच्छा अब आप देखो कि y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही थी बीटा, देखो y एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर डालेगा यहां पर, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी y, ये तो पता है आपको पढ़ क्या हो 10th क्लास की चीजें, तो m क्या हो गया मेरा cos बीटा जिसको मैं बोलूं, और वो क्या हो गया y अपॉन में op ठीक है, और ऐसे ही मेरा n हो जाएगा cos गामा इक्वल टू z अपॉन में OP वेक्टर। देखो इसको यहां से भी देखना एक बार, ये y एक्सिस वाला देखना, मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर डालूंगा ऐसे ठीक है, किस पे डाला ये y एक्सिस पे, तो ये लेंथ कितनी होगी बताओ मेरे y होगी, देखो इस ठीक है, अब cos बीटा निकालो, cos बीटा क्या होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका y ठीक है, स्मॉल y लिया ना अपन ने,
आधार कितना है वाई, और कर्ण कितना है इसका ओपी की लेंथ, ओपी क्या था एक वेक्टर था, तो ओपी की लेंथ मतलब चाहिए तो अपने क्या लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। तो देखो ये एलएमएन आ गया, क्लियर है। तो देखो एक काम मैं यहां कर रहा हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड नाम दे रहा हूं। मैं एक चीज करने वाला हूं यहां पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करूंगा, सेकंड का स्क्वायर करूंगा और थर्ड का स्क्वायर करूंगा। जो तीनों इक्वेशन है उनका क्या कर रहा हूं स्क्वायर कर रहा हूं, और तीनों का क्या करूंगा मैं एडिशन। तो ये प्रोसेस करने वाला हूं, ठीक है। तो आप एक चीज मुझे देखना होगा, तो इधर क्या है इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ऐसे करो पहले एलएचएस को ऐड कर लेते हैं। तो एलएचएस क्या है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और दूसरी साइड क्या आएगा बताओ, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में ओपी वेक्टर। मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। तो एलएचएस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम ऐसे, ठीक। चलो यहां देख लेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल, यहां देखो एलसीएम क्या है सबने ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ऊपर आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ओपी वेक्टर पी पॉइंट क्या था, एक्स वाई और जेड। तो मुझे बताओ मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहता हूं तो क्या आएगा बताओ, पढ़े हो सब, क्या आएगा ओपी पोजिशन वैक्टर बनाओ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्या बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड क्या जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाना है। तो मैं क्या यहां पर ये बोल सकता हूं, और कोस स्क्वायर अल्फा को क्या बोल सकते हो आप एल स्क्वायर, क्योंकि कोस अल्फा क्या होता है एल, कोस बीटा क्या होगा एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो भैया ये चीज कैंसिल कर जाएगी, रूट स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा और ये सेम आ जाएगी तो इक्वल टू वन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल रहा है आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, याद कर लेना इसको, ये मैंने आपको बताया है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है भाई ये कैसे आता है। तो देखो ये बहुत अच्छी चीज है ये, तो आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ढंग से समझना, नहीं समझ में आए तो बोल देना, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेना आप, है ना, इस चीज को। अब मैं देखो एक चीज करने वाला हूं यहां पर, देखूंगा ठीक है, मिटा दो इसको, कॉपी कर लेना, पोज करके आराम से ढंग से लिख सकते हो आप इसको। इस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूं, चलो मुझे बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूं, अभी आपने क्या निकाला एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, ये पता लग गया आपको ये कहां से है। अब देखना नया आपका क्वेश्चन है, इसको एल इक्वल टू ए बाई के, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर टू, इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी एल इक्वल टू ए बाई के, इक्वेशन सेकंड क्या है एम इक्वल टू बी बाई के, और थर्ड इक्वेशन क्या है एन इक्वल टू सी बाई के, ठीक है। चलो मैं यहां से एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, तो देखो इसके अंदर एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं,
एन की वैल्यू पुट करूंगा और एन की वैल्यू पुट करूंगा, तो एल क्या मेरा ए बाई के, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, यहां से क्या जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, और एन क्या है सी बाई के, तो सी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इक्वल टू वन, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन था, तो यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा के स्क्वायर, और के स्क्वायर एलसीएम आएगा उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, बोलो आएगा नहीं आएगा, ठीक चलो ये चीज समझ में। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से बताओ, के इक्वल टू आपका रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। अब के की वैल्यू को किस में पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसकी वैल्यू पुट करो के की, तो एल इक्वल टू ए अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम क्या आएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और सी क्या आएगा मेरा एन, एन आएगा आपका सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब आपको अगर क्वेश्चन दे दे ए बी सी डायरेक्शन क्या दे दे रेशियोज दे दे, क्या दे दे आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दे ए बी सी दे दे, तो आप क्या निकाल सकते हो एल एम एम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, चलो इसको कॉपी कर लेना, ये फॉर्मूला बना आपका वापिस, ये याद होना चाहिए ये और अभी अपने पहले थोड़ी देर पहले बात करी थी, ठीक है, कोस अल्फा वगैरह ये सब ध्यान रखना डायरेक्शन रेशियोज वगैरह, तो इसको मैं पूरे को साफ कर, देखो भैया अब अपना टॉपिक है कि जब आपको क्या दो पॉइंट गिवन, दो कोऑर्डिनेट गिवन हो एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, तो अपन कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, कैसे डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या है, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, और वो टू पॉइंट क्या हो सकते हैं आपके एक्स वन वाई वन और जेड वन, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया मैंने आपको पी, ले लिया आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, और दूसरा क्या ले लिया आपका क्यू एक्स टू वाई टू और जेड टू, ठीक है। जब आपको टू पॉइंट्स गिवन हो तो आप उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें, तो ध्यान सबसे पहले अपन वापस वेक्टर की जैसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट बनाया, बना दिया अभी, ठीक। ये लाइन थी मेरी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x1 y1 z1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2 और z, ठीक है। थोड़ा सा एक दिमाग लगाना आप समझना इसको, कि इसको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y है, सपोज ये लाइन को ऐसे थी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए, l क्या होता है, l इक्वल टू आप बोलोगे भैया cos अल्फा होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये लाइन अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये इस x एक्सिस को काटेगी, यहाँ बोलो काटेगी नहीं काटेगी, इस लाइन को मैं अगर आगे ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो x एक्सिस को ये काटेगी, ये क्या एंगल आपका अल्फा, यही क्या है आपका एंगल अल्फा। तो देखो आप मुझे बताओ कि क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या,
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल और आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये दोनों समांतर लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे मेरे x1, y1 और z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे x2, y2 और z2, दोनों से मैं परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, x2 माइनस x1, ये मेरी लेंथ कितनी आएगी x2 माइनस x1। तो बताओ मुझे क्या निकालना है, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा क्या आएगा बताओ, कोस अल्फा आएगा मेरा वापस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है मेरा x2, जितनी ये दूरी उतनी ये x2 माइनस x1 अपॉन में कर्ण कितना है, ये P पॉइंट है, ये मेरा Q पॉइंट है, तो PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल है। और जब दो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप PQ वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर्स के अंदर पड़ा है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। कैसे बनाते हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, वेक्टर आ जाएगा और उसका क्या निकालना है कोड। तो ठीक है, जब आपको दो पॉइंट गिवन हो तो आपका कोस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कैसे आएगा आपका, x2 माइनस x1 अपॉन में मोड ऑफ PQ वेक्टर, कोस बीटा आएगा आपका सेम y2 माइनस y1 अपॉन में PQ वेक्टर, और कोस गामा आ जाएगा आपका z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। ठीक है भाई, तो अब आप ने यहां से जब दो पॉइंट दिए हुए आपको x1 y1 z1, तो आप उसके क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियोस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये तो आपके आगे डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट, अब आपको निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो। तो भैया देखो मैंने बोला था डायरेक्शन रेशियोज आर थ्री नंबर विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट, मतलब एबीसी के, एबीसी क्या है, तीन ऐसे नंबर है जो किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, एलिमेंट के। तो मतलब आप उसका मीनिंग समझो कि मैं इन तीनों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो वही नंबर मेरा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। बोलो ठीक है, आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो अगर मैं उनको इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दूं उनसे, तो ये एलिमेंट मेरे बराबर आ जाएंगे। भाई आपने एक चीज देखी थी, वहां पर एक के आता था, तीनों में के क्या होता था, इक्वल होता था, के क्या है, एक कोई कांस्टेंट है, तीनों इक्वेशन में आता था, आप देखते हो ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो ए इक्वल टू के एल। ठीक है, तो देखो आप ये भी कह सकते हो कि भाई के एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, जो भी है। ठीक है, तो सेम ही बात है, तो मतलब क्या है, इसमें भी क्या आता था, दूसरे में आता था b इक्वल टू के एम, और थर्ड में आता था के एन। तो देखो l इक्वल टू क्या होता था, a बाई के होता था, m क्या होता था, b बाई के, और n क्या होता था, c बाई के। बोलो l क्या है, a बाई। तो देखो एक ऐसा नंबर है, के क्या है, एक ऐसे कॉन्स्टेंट है जो तीनों में है, तो मतलब अगर मैं इसको एबीसी से डिवाइड कर दूं, ठीक है, देखो इसको मैं बोलूंगा बी अपॉन में के इक्वल टू एम, और इसको मैं बोल रहा हूं सी अपॉन में के इक्वल टू, बोलो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन k, इसको मैं बी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 अपॉन k, और इसको मैं सी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 अपॉन k। देखो 1 अपॉन k सब में कॉमन आ रहा है नहीं यार, तो मतलब ये तीनों इक्वेशंस हैं उनको मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं, ठीक है, और वो नंबर क्या है आपके, ए बी सी, कि ये तीनों के एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को x2 माइनस x1 से, बोलो ठीक है, इसको किससे डिवाइड करूंगा मैं, x2 माइनस x1, दूसरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करूंगा, y2 माइनस y1, बोलो
तो वन अपॉन में मोड ऑफ पी क्यू रहना, इसमें भी वन अपॉन में मोड ऑफ पी क्यू रहना, और थर्ड इक्वेशन को मैं किसे डिवाइड करूंगा, जेड टू माइनस जेड। तो आप मुझे बताओ यही क्या है आपके ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी कैसे है, सिंपल है कि तीन ऐसे नंबर है जिनसे आप इसको एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे चेक कर लो इनसे। तो ए बी सी आप निकाल सकते हो, उसने करना आपको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और तीन नंबर है तो नंबर ही आएगा आपको। देखो यहाँ पे कोई वेक्टर का साइन नहीं है, ठीक है, वेक्टर का साइन नहीं है मतलब कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट को लेस करना है, कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट को लेस करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में, तो वहां से अपन इसको समझेंगे, ठीक है भाई। चलो इसको पॉज करना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये ए बी सी है, एक चीज और आप समझना इस चीज को, अभी थोड़ी देर पहले आपने कोस अल्फा को क्या बोला, कोस अल्फा बोला x2 माइनस x1 अपॉन में मोड ऑफ पी क्यू, क्या ये चीज कहीं करी थी क्या आपने, बोलो ये चीज क्या कर रहे हो आप, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को कहीं कहीं आप देख रहे होंगे आप, ठीक है। कोस अल्फा कोस बीटा आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन में मोड ऑफ पी, और कोस गामा आ जाएगा आपका z2 माइनस z1 अपॉन में पी, ठीक है। आपने दो तीन चीजें पढ़ी, एक तो ये जब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो x1 y1 z1 दिया हो, दूसरा एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू वन, ये ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट है जब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, ठीक है। डायरेक्शन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या आते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड, ठीक है। ये चीज अभी तक आपने ये पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो भाई मैं आज आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, आपको क्या करना है, जितने भी डायग्राम पढ़ाए ना, क्योंकि कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को, जो चीजें मैंने आज आपको बताई है उनका सबको डायग्राम बनाना है 3D के अंदर, और हर चीज को समझना है, प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ आपको, बस लेकिन यूटिलाइज करना है, ठीक है। डायग्राम समझना है, ढंग से समझना है, जहां दिक्कत है वहां बताना। कल अपन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे जो भी है, 14.1 जो भी है, और बस कॉन्सेप्ट यही है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक था वो क्या था, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, ओके।